हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करता है देखो ये फर्स्ट पिक्चर में क्या है हीट मतलब गर्मी से प्रोटेक्ट करता है हम लोग अगर रोड पे होते हैं तो हमें गर्मी ज्यादा लगती है यस yes, पर घर में क्या लगती है गर्मी कंपेरेटिवली कम लगती है घर में फैन होते हैं एसी होते हैं तो हाउस हमें हीट में प्रोटेक्ट करता है अ हाउस प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड देखो सेकेंड पिक्चर में क्या है पूरा स्नो है आस पास तो घर, अगर हम लोग स्नो में बाहर खड़े रहेंगे तो क्या हो जाएगा बहुत ठंड लगेगी हमें राइट बट हम लोग घर के अंदर होंगे तो हमें ठंड कम लगेगी अउस प्रोटेक्ट एस फ्रॉम द कोल्ड अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड स्ट्रोम ये देखो थर्ड पिक्चर में क्या है हाउस हमें किससे प्रोटेक्ट करता है रेन एंड स्ट्रोम से बहुत ज्यादा आंधी तूफान आता है और हम अगर घर में है तो हम क्या है सेफ है घर हमें किस किस से प्रोटेक्ट करता है अ हाउस प्रोटेक्ट एस फ्रॉम हीट कोल्ड रेन एंड स्ट्रोम अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स हम लोग घर में रहते हैं तो स्ट्रे एनिमल्स आ जाते हैं हमारे घर में स्ट्रे एनिमल्स मतलब रोड पे जो एनिमल्स रहते हैं स्ट्रे डॉग्स हम लोग बोलते हैं ना वो कभी भी हमारे घर में आ जाते हैं नहीं आ सकते और थीव्स थीव्स मतलब चोर तो घर हमें किससे प्रोटेक्ट करता है थीव्स एंड स्ट्रे एनिमल्स व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ स्ट्रे एनिमल्स एस टी आर ए वाई ए एन आई M A L S ट्रे animals. A house is a safe place for us. हाउस हमारे लिए कैसी जगह है सेफ प्लेस है हमें हमारे घर बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है जब हम हमारे घर हाँ पे भी घूमने जाओ बट अगर हम लोग जब भी हम लोग हमारे घर में वापस आते हैं तो हमें क्या होता है शांति पीस मिलती है तो अ हाउस इज अ सेफ प्लेस फॉर आस हाउस शुड बी क्लीन एंड एरी हमारा घर कैसा होना चाहिए क्लीन एंड एरी होना चाहिए राइट right? क्लीन रखना चाहिए हमें हमारा घर गंदा नहीं रखना चाहिए और एरी होना चाहिए एयर सर्कुलेशन प्रॉपर होना चाहिए राइट स्टूडेंट्स हैप्पी हाउस द हाउस इन विच वी लिव विथ आर फैमिली इज आर होम होम कैसे किसको कहते हैं हाउस तो सभी होते हैं पर हम जिसमें रहते हैं वो क्या हो जाता है हमारी फैमिली के साथ हम जिस घर में रहते हैं वो क्या बन जाता है हमारा होम हो जाता है हैप्पी फैमिली हम लोग जब भी एक घर होता है एक मकान होता है उसे घर हम कब बनाते हैं जब हम हमारी फैमिली के साथ रहते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा होम हो जाता है आई लव माई स्वीट होम सबको अपना घर पसंद है ये yeah, सबको अपना घर अच्छा लगता है एट होम माई मदर कुक्स टेस्टी फूड मम्मा कैसा खाना पकाती है अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी पकाती है ना खाना वी लव टू ईट द फूड कुक्ड बाय मदर हमें मम्मा का हाथ मम्मा के हाथ का खाना कैसा लगता है अच्छा लगता है वी स्टडी एंड प्ले एट होम हम लोग घर पे खेलते भी हैं एंड स्टडीज भी करते हैं टॉक एंड हैव फन हम लोग बातें करते हैं फन करते हैं मजे करते हैं फैमिली मेंबर्स के साथ घर में राइट स्टूडेंट्स वी वॉच टीवी हम लोग घर पे फ्री टाइम में टीवी भी देखते हैं सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ बैठ के वी रेस्ट एंड स्लीप एट होम हम लोग घर पे क्या करते हैं रेस्ट एंड सोते भी है देखो ये सेकेंड पिक्चर में ये लोग क्या कर रहे हैं ये लोग पढ़ रहे हैं, पापा न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं वी ऑल हेल्प वन अनदर घर पे हमें सब लोगों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ऐसा नहीं है कि मम्मा पूरे दिन घर का काम करती रहे और हम लोग ऐसे ही बैठे रहे नहीं हमें मिलजुल के काम करना चाहिए वी कीप आर हाउस क्लीन एंड टाइडी हमें हमारा घर कैसा रखना चाहिए क्लीन एंड टाइडी रखना चाहिए एवरीबडी लिव्स हैप्पीली इन द हाउस सब लोग कैसे हम लोग को घर में कैसे रहना है सब लोग कैसे रहते हैं घर में हैप्पी रहते हैं हैप्पीली रहते हैं होम इज द स्वीटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ मैम ने बोला है ना हमारा होम कैसा होता है स्वीटेस्ट प्लेस होता है हम कहीं पे भी आउट ऑफ स्टेशन जाए घूमने जाए मामा के घर पे जाए कोई भी जगह पे जाए बट थोड़े दिन होते हैं तो हमें हमारा घर याद आता है राइट right? यस yes. तो होम इज द स्वीटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ फूड फॉर थॉट A house is made of walls, but a home is made by people. मैम ने क्या बोला हाउस किससे बनता है वॉल से बनता है घर कैसा होता है मकान कैसा होता है दीवालों का होता है बट उसे घर कौन बनाता है होम कौन बनाता है पीपल हम लोग जब फैमिली साथ में रहते हैं तो वो क्या हो जाता है होम हो जाता है नाउ आई नो वी लिव इन हाउस हम लोग कहाँ रहते हैं हाउस घर में रहते हैं हाउस प्रोटेक्ट अस फ्राम द हीट कोल्ड रेन एंड स्ट्रोम हाउस हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है हीट यानि गर्मी ठंडी रेन एंड स्ट्रोम हाउस प्रोटेक्ट एस फ्रॉम थीव एंड स्ट्रे एनिमल्स हमें थीव एंड स्ट्रे एनिमल्स से भी हाउस क्या करता है प्रोटेक्ट करता है वी ईट प्ले एंड रेस्ट एट होम हम लोग क्या करते हैं घर पे प्ले करते हैं खेलते हैं आराम करते हैं रेस्ट करते हैं और पढ़ते भी है ओके स्टूडेंट्स सो ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है थैंक यू आई होप आप लोगों को लेसन नंबर सेवेंटीन आर हाउस समझ में आ गया है तो अभी आपको क्या करना है चल पा मे आपको इसकी पीडीएफ भेजेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर हार्ड वर्ड ट्रू फॉल्स सब कुछ आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में प्रॉपर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है ओके स्टूडेंट्स बाय टेक केयर